एफर्ट मैंने देखा, आपका भी देखा, और जो सर सचिन सर हैं और जो दो लोग और भी थे, हमने एफर्ट देखा कि सर आप लोग मतलब सवेरे से शाम तक हम लोगों के साथ लगे रहे हैं सर। मतलब मैंने ये एफर्ट देखा, हम देखें कि सर आप थक भी गए हैं लेकिन बच्चों के साथ आप जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है उसका आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जो 12th बैच है वो जल्दी ही अगले 1 से 2 दिन में स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन फुल होने वाले हैं। अगर आप उस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप भी 100% जॉब प्लेसमेंट चाहते हैं, तो अभी तुरंत जाके सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स है उसमें आप एडमिशन लीजिए। अभी मैं आपको हमारे 11th बैच के जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनसे मैं मिलवाऊंगा। ये अपना भाई पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिव्यू है इनकी, उन्होंने कोर्स कैसे लिया, कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या डाउट्स थे, तो वो सारी चीज़ें अपनी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मोनू यादव है सर, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने सर 2017 में अपना डिप्लोमा पास आउट किया, उसके बाद सर मैं कुछ दिन सोलर की ट्रेनिंग किया, उसके बाद L&T कंस्ट्रक्शन में मैंने 2.5 साल जॉब किया सर। ओके। उसके बाद वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मेरा क्लोज हुआ सर, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर था मेरा। उसके बाद मैं मेधास टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड में सर एज ए कंसल्टेंट मतलब सुपरविजन की पोस्ट पे था, एज ए साइट इंजीनियर सर। उधर भी मेरा साइट इंजीनियर का पोस्ट था, यहाँ भी मेरा सर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ सर। वहाँ पे सीखने को क्या कुछ कुछ मिला टेक्निकली, अगर हम बात करें कोर टेक्निकल की? ज़्यादा सर टेक्निकली तो बहुत कम ही था सर, L&T में थोड़ा सा ठीक था, जैसे हम वहाँ पे हर चीज़ शट डाउन लेना, सब स्टेशन पे जाके कॉन्ट्रैक्टरों को सेफ्टी लोटो किट ये सब मतलब वहाँ इम्प्लीमेंट करते थे, सेफ्टी के प्रोसीजर क्या हैं, कार्डिनल सेफ्टी रूल्स क्या हैं, कि हमारा फुल बॉडी हॉर्नेस क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें थी सर वहाँ पे। और मतलब कुछ टेक्निकल नॉलेज था लेकिन मतलब ब्रीफ नॉलेज मेरे पास थोड़ा सा कम था सर। ओके। तो इसके बाद सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट सर अगस्त में मेधास टेक्नो कॉन्सेप्ट एज ए कंसल्टेंट ख़त्म हुआ सर, और उसके बाद मुझे दूसरी जगह भेजे जा रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज के लिए ये था कि मैं चला जाऊँगा तो दोबारा मुझे मतलब नॉलेज गेन करने का थोड़ा वो रहेगा। फिर मैंने मेंटेनेंस जॉब मतलब ऐसा दोस्त था मेरा, उसने बोला कि मेंटेनेंस जॉब करो, शायद इसमें स्कोप अच्छा है। तो सर मैंने उस चीज़ को सर्च किया यूट्यूब पे, और मेरा दोस्त मेरा इंटरव्यू भी कराया मेंटेनेंस में बेंगलुरु में, लेकिन मैं क्रैक नहीं कर पाया सर। उन्होंने कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा DG के ऊपर पूछा, और ऐसी चीज़ें पूछी कि मतलब जो भी DOL स्टार्टर ये सब के बारे में पूछा सर। और उसके बाद मैंने उस चीज़ को जो क्वेश्चन था सर उसको मैंने यूट्यूब पर सर्च किया सर, उसके बाद आपका भी नाम आया सर, तो मैं मुझे अच्छा लगा आपका कि मतलब कि ट्रांसफार्मर के बारे में और DG के बारे में, LT पैनल, ST पैनल, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे ब्रीफ थोड़ा सा अच्छा लगा टेक्निकल सीखते समय कि मतलब हाँ यहाँ पे कुछ अच्छा है। उसके बाद मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं इसको करता हूँ तो कहीं जॉब नहीं मिलेगी लेकिन मेरे पास वो स्किल आ जाएगी कि मैं यहाँ तो जॉब 4 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है सर, मैं कहीं भी इस चीज़ में जा सकता हूँ, लेकिन अगर ये मैं कर लिया तो अगर नहीं रहेगा नॉलेज तो मैं नहीं कर पाएगा सर। इसके बाद सर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चन पुटअप किया कि ये बताओ कि ट्रांसफार्मर जैसे इरेक्शन में क्या देखते हैं, तो सर थोड़ा सा मैं टेक्निकली नहीं बताया, मैकेनिकली बताया कि ये सब चीज़ें टूट सकती हैं, ये सब कुछ हो सकती है। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि सर कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, और फिर मैंने ज्वाइन भी किया सर। और मैं ऑनलाइन कोर्स में सर कुछ नेटवर्क का इशू था तो मैं उतना नहीं कर पाता था, बट उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं इसीलिए पहले ही यहाँ आके यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा गेन करने को मिला, और जो भी कन्फ्यूजन थे हमारे, जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का मुझे मालूम था कुछ सेफ्टियाँ ये सब चीज़ें थी, कैसे हम उसको मान लीजिए मेंटेनेंस के टाइम पे कैसे हम डिस्चार्ज करेंगे, क्या करेंगे, डिस्चार्ज रॉड कैसे लगाएंगे, स्पाइक अर्थिंग कैसे करेंगे, ये सब मुझे मालूम था सर कि इरेक्शन के टाइम पे क्या कर, लेकिन ऑपरेशनल जो टेक्निकल नॉलेज थी वो मेरे पास नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे एडिशनल नॉलेज जो मिला और ट्रांसफार्मर के बारे में जो ब्रीफ नॉलेज या मतलब जो LT ST पैनल के बारे में मिला,
उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया सर। और तो अभी आपको क्या लगता है कि जैसे वो इंटरव्यू आपका बेंगलोर वाला या जहाँ का आप बता रहे हो, अगर वो होता आज के दिन होता तो उसको आराम से क्रैक हो जाता? आई विल क्रैक सर। ओके, तो कॉन्फिडेंस लेवल अभी काफ़ी बढ़ गया है? हाँ सर है, लेकिन अभी कुछ और बूस्टअप करने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहता कि मैं 100% कर सकता हूँ, लेकिन हाँ वो कॉन्फिडेंट है कि पहले से जो था उससे कुछ बेहतर हैं। और हम आगे भी अभी आप लोग का जो मार्गदर्शन है सर उसको हम फॉलो कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम अच्छी तरह उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं सर। और मैं स्किल हिंदुस्तान और आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जो भी बंदे हैं मान लीजिए जो मतलब नॉन टेक्निकल फील्ड में कहीं जॉब कर रहे हैं और अच्छी सैलरी अगर मिल रही है तो मैं ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कहीं रहता है सर कि मान लीजिए उनको 40-50 हज़ार मिल जाता है नॉन टेक्निकल में, रेयर केस में, अगर उनको मान लीजिए 12 घंटे कुछ घंटे कर रहे हैं 13-14 हज़ार 15 हज़ार पे, हम तो उनको डेफिनेटली कहेंगे कि आप आके ज्वाइन करिए। इसमें मैं ना एक चीज़ और कहूँगा आपको, मतलब आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन है कि 30-40 हज़ार वाला ले रहा है ना, वो नॉन टेक्निकल में सपोज काम कर रहा है, एक सिचुएशन आ गई उसकी नौकरी छूट गई, हाँ ये चीज़, तो दूसरी कौन है बंदा है उसको रखेगा उतने पैसे में, तुम्हें लगता है? नहीं नहीं सर, इसके बाद इशू टेक्निकल में है भाई, आप हो आप 25,000 रुपये ले रहे हो या 30,000 रुपये टेक्निकल फील्ड में ले रहे हो, आप एक इंजीनियर में या 35,000 ले रहे हो, आपकी एक जॉब छूट गई, तो ये हो सकता है कि वो वहाँ मेरे को 40 मिलते थे, यहाँ मेरे को 30 या 35 में मैं ज्वाइन कर लूँगा अपने ही फील्ड में। तो बहुत सारे लोग होते हैं नहीं यार ठीक है यार मिल रहा है चल रहा है, वो लाइफ कब तक चलती है? ठीक है एक लिमिट तक चलती है भाई, ठीक है किसी की लंबी भी चल जाती है, बट देखो लाइफ में ना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं, तो हमें दोनों के बारे में सोच के, देखो एक इंसान है हम प्लानिंग से चलते हैं, तो मेरे को लगता है कि एक इंजीनियर है तो हमें अपनी लाइफ की प्लानिंग अच्छी तरह, हम टेक्निकल फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं तो मतलब ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेहतर है और अच्छा है कि आप इसको ज्वाइन करें। देखो इसमें क्या, देखो मैं कहूँगा भाई हमने ITI की है, डिप्लोमा किया है, BTech किया है, क्यों किया है भाई, उसी फील्ड में हमें जाना है। अगर ITI करके प्रोडक्शन में या डिप्लोमा करके या BTech करके उसको प्रोडक्शन में जाना था तो किस लिए किया भाई, लेकिन एक इंजीनियर क्यों बने अपने आप के आगे, एक ITI वाला भी एक मैं इंजीनियर ही मानता हूँ भाई। जी भाई किस लिए, तो अगर इस तरह का कुछ है तो बंदे को उसी हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग ज्वाइन करें और यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज और मतलब स्किल्स अच्छी तरह सिखाया जा रहा है जो कि आप इसको गेन करने के बाद, तो आपको कुछ लोगों का मतलब एक बेसिक रहता है सर फ्रॉड तो नहीं हो रहा है उधर, तो आपके माइंड में कुछ ऐसा ऐसा, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ सर 100% मेरे माइंड में था, ये नहीं है कि मेरे परसेंट में 2-3% था कि फ्रॉड है नहीं है, हाँ मेरे माइंड में 100% था कि फ्रॉड हो सकता है सर, ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि तो मेरे किस तरह मतलब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? देखो वही एक चीज होती है कॉन्फिडेंस सर, मैंने गूगल जो होता है ना गूगल रिव्यू पे मैं दोस्त से भी कंसर्न किया, 3-4 बार फ़ोन किया कि यार जैसे 2-4 लोग मतलब ऐसे हैं कि वो ज़्यादा उस पर रहते हैं सर, एक्टिव रहते हैं उस चीज़ों में, तो हमने बोला कि थोड़ा देखो क्या है, उन्होंने बोला यार कुछ भी हो लेकिन ये चीज़ें जो है टेक्निकल नॉलेज तुम्हें अच्छी तरह दिया जा रहा है, और रिव्यू भी हमने भी देखा, कहा कि एक बार देखो अच्छा रिव्यू है, लड़कों का भी रिव्यू है और टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे, और उस लड़के ने भी बंदे ने भी मतलब उसको देखा सर, मेरे साथ कही है सर और अभी UPPCL की तैयारी कर रहा है सर, तो उसने पूरा देखा और कहा कि ज्वाइन कर सकते हो सर, तो उसके बाद सर मैंने ज्वाइन किया और आपसे बात करके अभी जुड़ा हूँ सर। नहीं वही है देखो हर जगह फ्रॉड तो है बट हम सर इसके पहले मतलब हुआ था कुछ, मैं पे नहीं किया था सर लेकिन फ्रॉड में मैं फंस चुका था और मेरे 7-8 दोस्त मतलब वैसे हैं कि मतलब साइबर वाले में, तो इसकी वजह से मैंने उनको बोला तो मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया कि वहाँ जाके क्लेम कर दो इसके ऊपर, फिर मैंने नहीं किया। और नहीं नहीं चलो अच्छा है, देखो क्या है अवेयरनेस हमें रहना चाहिए, कहीं पे कुछ भी हो सकता है जो आपने किया नहीं, मतलब सर, अच्छा मार्केट है। क्या है सर कि मतलब कुछ लोग ही हैं जो मतलब सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, नहीं तो बस अलग ही फील्ड में सभी लोग जा रहे हैं सर, तो सब चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में, हम ही के नहीं सर मतलब मुझे लगता है जो भी ज्वाइन किए होंगे
2-1% थोड़ा बहुत रहता है सर माइंड देखो में। लोग क्या सोचते हैं ना, मतलब बिजनेस बना के धंधा बना के बैठ जाते हैं, तो ये स्किल्ड हिंदुस्तान सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं कि ये धंधे के लिए नहीं है। नहीं सर, एक चीज़ था कि मैंने ये देखा कि मान लीजिए ये सही भी मार्गदर्शन पे चल रहा है, लेकिन मैंने उस दिन जो था इफर्ट मैंने देखा, आपका भी देखा और जो सर सचिन सर हैं और जो दो लोग और भी थे, हमने इफर्ट देखा कि सर आप लोग मतलब सवेरे से शाम तक हम लोगों के साथ लगे रहें सर। मतलब मैंने ये इफर्ट देखा, हम देखें कि सर आप थक भी गए हैं लेकिन बच्चों के साथ आप जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है उसका आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सर। नहीं नहीं देखो दोस्त, हमारा काम है इफर्ट देना, अगर हम आउटपुट नहीं देंगे, मैंने कहा कि अभी तक जितने बच्चे हमारे यहाँ से भाई जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली, अभी क्या हुआ कि बच्चा गया इंटरव्यू देने, 3 इंटरव्यू उसने दिए, सर मेरे से तो नहीं हुआ, वो गाँव भी आ गया बिना बताई कुछ, तो बिना भाग, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज जो बच्चे रुके हैं ना भाई, हमने उसको भाई 15 दिन से ऊपर हो गया, हमने उसको उससे हॉस्टल का चार्ज नहीं लिया, हमने उसको बोला भाई 15 दिन के बाद जितने दिन भी रुकोगे ना आपको हॉस्टल, भाई खाना पीना तो आपको अपना करना पड़ेगा, बस रुकने का चार्ज आपको नहीं देना है, आप रुको जहाँ भी रुकना है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हमारे पास हॉस्टल है गुड़गांव में है जहाँ स्टे कर सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को पूरा आउटपुट मिले। सर और तो सब ठीक ही चल रहा है सर, और आपका मार्गदर्शन रहा तो अच्छी तरह ग्रो। देखो क्या होता है ना, वो तालमेल है, तालमेल हमारा रहेगा अच्छी तरह से, और आई होप आपको जल्दी से जल्दी जिसके लिए जिस मकसद के लिए आपने ज्वाइन किया था वो आपका पूरा होगा, और उसमें जो हम आउटपुट दे पाएंगे वो जरूर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, मेरा नाम अमन मौर्य है, मैं यूपी बलिया जिले से हूँ सर। तो क्या किया हुआ आपने? सर हमने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास किया है, 2022 में सर पास किया है। ओके ओके। डिप्लोमा में सर मुझे आना था कुशीनगर से किया है सर। ओके ओके ओके। तो आपको मतलब आपका कैसा है, मतलब स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन करके आपसे अगर पूछे कि भाई आपको कैसा लगा भाई? स्किल्ड हिंदुस्तान सर बहुत अच्छा लगा सर, टेक्निकल सीखने के लिए बहुत कुछ मिला सर, देखने को भी मिला सर। इधर तो सर अभी इधर प्रोडक्शन कंपनी में सर हम काम कर रहे थे इधर 2 महीने पहले, वहाँ साला रेल के काम भी कराते थे, काम के बाद बोली भी सुनो सर अच्छा नहीं लगता था। एक दिन कुछ हो गया था इशू सर लाइन लीडरशिप इंचार्ज है सर, फिर इसके बाद पता था सर स्क्रीन नहीं था, वीडियो पहले से देखते थे लेकिन ज्वाइन करने का दिमाग में कभी आया नहीं सर। दोस्त था यही राकेश कन्हैया, ये इलेक्ट्रिकल सेक्टर में काम करता था गुजरात, इसके पास कॉल किए, ये कह रहा सर यहाँ पे भी आओगे यार वही कम पैसे मिलेंगे, फिर ये ज्वाइन किया था सर, बताया ये चलो इसके लिए नुकसान चलते हैं, फिर उसके बाद सर हमने उस कोर्स को ज्वाइन किया सर, फिर उसके बाद यहाँ आए। ऐसा तो नहीं कि भाई तुम लोग बोल रहे हो तुम्हें नहीं यार पॉजिटिव बोलना है, मतलब कैसे मतलब कि कहीं तुम्हें लगा कि किसी ने कोई भाई आपको ये बोला नहीं यार बढ़िया नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं? देखो कई बार क्या होता है ना यार, जो बढ़िया बढ़िया रिव्यू देंगे ना बच्चे उनको लेके आओ, तो आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं हम नहीं सर, किसी आप, भी बच्चे ने नेगेटिव? आप लोगों तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं है सर, अच्छा है सर, सीखने को बहुत मिला, देखने को कुछ मिला सर, और पढ़े हैं सब, कभी कंट्रेक्टर यहाँ पहली बार देखे करे कंट्रेक्टर है सर, ऐसे कनेक्शन होता है तो बाकी सब पढ़ाई में सर। ये स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड और ये कितने दिन में आ गए थे आपको? सर एक एक दिन में सब आ गया सर, एक दिन में 3 दिन में तीनों सर। और कितना मतलब कितनी देर में आप आराम से आंख बंद करके बना सकते हो, वो कॉन्फिडेंस आ गया? बना सकते हैं एकदम। बाकी पैनल वैनल के बारे में डीजी के बारे में कुछ कन्फ्यूजन थे तो कितने दूर हो गए तुम्हारे? वो सर देखने के बाद सर सर आपकी वीडियो है सर वेब पे सर, उससे बहुत अच्छा हेल्प मिला सर। ओके, तो ऑफलाइन में जब डीजी को देखा तो जब मतलब एक फील अलग से रहा उस दौरान? पहली बार देखे सर कहीं डीजी है ये पैनल है सर। ओके, सर आप प्रोडक्शन में फंस गए थे, सीखने को नहीं मिलता सर। तो जो प्रोडक्शन में फंसे हुए लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? अभी सर कुछ दोस्त हैं वहाँ फोन उन किए सर, कहें इसके लिए हिंदुस्तान ज्वाइन कर लो यार सर, जो घूमे घूमे देखें बना बना के उसको भेजें, देखो यार ये सब सीख रहे हैं, कहें सर चलो ठीक है बनाओ। नहीं वो पता कब ज्वाइन करेगा इस बैच को? हो सकता नहीं करे, वो 13वें बैच में जरूर ज्वाइन करेंगे जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना, 1 महीना तुम दिखाओगे उनको। जॉब वाली बात पूछ रहे, करो चलो यार सीख रहे कन्या यार पूरा तो होने देखो उसको, 15 दिन का ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ये हो रहा है सर। सर रोज शाम को फोन करते हैं आज क्या सीखे बताते हैं, हम भी ये सीखे ये देखें
नहीं, अच्छा है, अच्छा है। तो वही रहता है, देखो सामने वाले को भी ना पूरा रिजल्ट जब तक नहीं मिलता है ना, अरे यार देख लेते रुक जाता हूँ, कोई नहीं और थोड़े दिन रुकना है, 15 दिन रुक जाता हूँ, जो देख लेता हूँ उसको कैसे मिलेगी, और जो मिलती है ना तो फिर भागते हुए आते हैं उस कंडीशन में। बाकी सर दोस्तों को नहीं, पूरा हम डिप्लोमा होल्डरों को कहेंगे, जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल जैसे बीटेक किया हो, आईटीआई किया हो इलेक्ट्रिशियन से, वो प्रोडक्शन कंपनी छोड़ो यार, इसके लिए हिंदुस्तान आओ, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जो भी मिलेगा, जॉब का यार शिखर हो गए तो कहीं भी जॉब मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना यार, मैं आप लोगों को जॉब नहीं दिलाऊंगा, मेरा काम आप लोगों को स्किल देना है, जॉब देना नहीं है। आपके पास स्किल होगा तो जॉब तो भैया भागती हुई पीछे आएगी। यस सर, बहुत नॉलेज के ऊपर ऐसे जॉब भी मिली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सर अच्छे से पढ़ेगा आपका सिखाया हुआ, बहुत लोग इधर उधर सर्च मार के देखते हैं। बाकी सर नहीं, यहाँ पर भी क्या होता है ना, यहाँ पर भी आने के बाद में मतलब कुछ बच्चे भाई यूट्यूब पे क्या, अरे सर ने क्या पढ़ा, सर्च मार के देखो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो उनको मेरा मैसेज रहता है कि भाई तुम्हें गूगल ही सर्च मारना था तो भाई घर से मारते सर्च, तुम यहाँ आ गए हो तो एक फेथ करो कि हम आप लोगों को सही डायरेक्शन में ही लेके जा रहे हैं, सब कुछ सही है। और अभी तक कितने लोग मतलब ये तो अब 11वें बैच में हैं, तो पहले बैच से चला था, अब 11वें पे पहुंच गए हैं, 12वां बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ना, तो देट इज़ सो नाइस कि, और आप लोगों के लिए भी बोलूँगा कि भाई जल्दी से आप लोगों को एक अच्छा जो मिले, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ आए कि भाई ठीक है हम भी जाते हैं और हम भी ज्वाइन करते हैं हमें अपनी लाइफ को। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत वो होती है जो कोई नॉन टेक्निकल और प्रोडक्शन में कर रहे होते हैं ना, उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है यार, क्यों दूसरे आदमी की जॉब खा रहे हो, बेचारा एक दूसरा आदमी जॉब करता है ना, एक बीटेक वाला या डिप्लोमा वाला या आईटी वाला उधर घुसा हुआ है, तो अपने फील्ड में बहुत ओपनिंग है, बहुत कुछ है, तो वहाँ जाइए अपनी। और गेम में कैसा रहा आपका, गेम में मजा आया? सर मजा आया सीखने में। चलो पुशअप कितने लगाए थे आपने? सर 8-10 लगाए थे। तो पुशअप में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर, तो क्योंकि विजेता तुम्हारे पास में ही बैठा हुआ है सर, फर्क भी तो है। चलो चलो चलो, अच्छा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव राय, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने डिप्लोमा इसी साल पास किया है 2022 में ही। और सर मैं, मुझे ये यहाँ का पता मेरे दोस्त से चला, वो यहाँ आने के लिए तैयार था मेरे साथ, लेकिन जब आना था तो वो बोला कि अभी मतलब बिलीव नहीं कर सकते हैं, थोड़ा और रुक जाओ। तो मैं बोला वैसे भी तो घर पे हैं, क्या कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं। तो वो बोला, बाद में वो ना कर दिया, तो मैंने आपसे बात की और आपने बताया, तो फिर मैं एडमिशन करा लिया। तो सर मैं 10th बैच से था तो आ नहीं पाया था, उसकी वजह से मैं इस 11th बैच में तो भाई 10th और 11th आप लोगों का मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब सब लोग कैसे हैं इधर, मतलब पूरी टीम किस तरह रहते हैं? सब बहुत सही है, सब सहयोग करते हैं दूसरे का, मतलब एक टीम स्पिरिट भी आप लोगों को मिल रही है इधर से। यस सर, हॉस्टल में सब लोग। तो अभी जो खाना बनाने वाली फीस है वो कब लोग कब पे करोगे आप लोग? खाना बनाना भी नहीं आता था ना कुछ लोगों को, तो नहीं आता, सीख ही रहे हैं, तो उसका तो चार्ज हमने लिया नहीं है अभी तक, बना लेते थे, आपका एक्सपीरियंस हो गया। क्योंकि वो बच्चे के भी फोन करते हैं ना, तो माँ भैया ये तो चीज़ है, एक फ्री में और चुके हैं, बोले सर वो क्या, मैं खाना बनाना, अरे सर कुछ कहते हैं सर आता है, कुछ का इस तरह का रहता है। तो आपका कैसे रही स्किल्ड हिंदुस्तान, मतलब ज्वाइन करने तक की जर्नी अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कैसी रही? सर बहुत अच्छी थी, अभी तक मतलब हम लोग थ्योरी बेस पे पढ़े थे, यहाँ पे आके टेक्निकल हमको जो वहाँ पढ़ाया गया था और जो हम ऐप पे पढ़े उसके द्वारा हमको देखने को मिला। अब तक हम लोग फिगर में देखे थे ये सब चीज़ें, रियल टीम देखने। तो आपने क्या वन टाइम में ले लिया था कि यार नहीं ठीक है, आपने वीडियो नहीं, देखा? नहीं सर, मतलब दोस्त ही हमको उस चीज़ के लिए बोला, तो हम देखे पहले वीडियो, तो वो तैयार था तो हम उसके लिए तैयार हो गए कि ठीक है चलेंगे साथ में। फिर वो मना करने लगा तो हमको भी हो गया कि ये नहीं जा रहा है तो अकेले नहीं जाना चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि घर पे ही हैं, क्या कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। वो अभी तक बंदा नहीं आया, वो बोला अगले बैच में देखता हूँ, तुम चले गए हो तो तुम देख लो। वो भी उसी चीज का इंतजार करना ना, जिसका दोस्त है कि अरे भाई जॉब लग जाए, इसकी जॉब कब लग रही है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर भी, जिज्ञासा पूरी है, अरे क्या सीखा, अरे ये चीज देख ली, अरे क्या था पता मेरे को भी, फोटो भेज, ये वो सारी चीजें रहती हैं। वही एक टेक्निकल बंदा है ना, उसके माइंड से वो चीज़ें कभी जा ही नहीं सकती हैं भाई, एक इंजीनियरिंग की है, वो सारी चीज़ें रहेंगी माइंड में हमेशा। यस सर। तो आपका फ्रेंड भी मतलब 13वें बैच की तरफ अग्रसर है वो भी?
चलो चलो अच्छा है। तो इसमें मतलब पहले में और अब में आपको कितना डिफरेंस लग रहा है अपने अंदर? सर बहुत डिफरेंस है। पहले जहाँ थ्योरी पे थे वहाँ प्रैक्टिकल देखने को मिला, करने को मिला अपने हाथ से, तो ज़्यादा हमारा क्लियर हो गया अब। कुछ चीज़ें और बची हैं अगले एक या दो दिन में, आप लोगों का जो पैनल विजिट है वो बचा हुआ है, ट्रांसफार्मर विजिट भी हम कोशिश करेंगे कि हमने मेल तो डाला है, अगर वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा तो हम डेफिनेटली आप लोगों को लेके जाएंगे। हम हर बैच में होते हैं, एक आध बैच मिस भी कर जाता है क्योंकि हम भी दूसरे पर्सन पर आश्रित हैं इसमें कि वहाँ से परमिशन मिलेगी कि तो जब ही हम आप लोगों को वहाँ पर लेके जा सके। अदरवाइज तो भाई हमारा पूरा एफर्ट रहता ही है कि एक स्टूडेंट है यार, कुछ मतलब कुछ ले सोच लेके आया है यहाँ पर, उसकी जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा करें। तो कुछ और आप बोलना चाहें स्किल्ड हिंदुस्तान के बारे में? और लोग आएँ ज्वाइन करें, और भी दोस्त हैं जो जिनसे बात किए जो साथ में पढ़ते थे वो भी आने के लिए तैयार हैं। तो सब लोग जो नहीं कुछ कर रहे हैं या टेक्निकल लाइन से नहीं है, मतलब टेक्निकल लाइन का नॉलेज लिए हैं और टेक्निकल लाइन में नहीं है, तो आके ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिट का है। जी 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 तो ठीक है, आप सब लोगों का जो एक रिव्यू देने के लिए सब लोगों का धन्यवाद, और हमारा एफर्ट तो हमेशा उसी तरह बना रहेगा, और ऐसा नहीं कि आप लोग एक बार जॉब प्लेस हो जाओगे उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आप लोगों को लेके बनी रहेगी कि भाई डिप्लोमा किया है उसने, अभी भाई 3-4 महीने बाद अब इसको HVAC भी कराना है यार, इसको सुपरवाइज़र भी बनाना है, या ITI वाला यार कम से कम उसको MST में बनवाना है। तो हमारे टारगेट्स हमेशा आपकी ग्रोथ को लेके बने रहेंगे। बट उसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, और जनरली मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ ताली बजानी है तो एक हाथ यहाँ पर एक हाथ यहाँ पर है, दोनों हाथ मिलते हैं जब भी ताली बजती है। भाई मैं बोलता हूँ बल्ब जला दो यार, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, मतलब न्यूट्रल और फेस है, जब तक भाई दोनों लाइट को नहीं दिए जाएंगे वो लाइट ग्लो नहीं होगी। तो अगर आपको रियल में आउटपुट चाहिए है, कुछ रियल में ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने फ्यूचर में अपने पॉजिटिव होने के बारे में सोचते रहिए कि आगे कुछ बेटर करने के बारे में सोचिए, और जो सोचेंगे तो फिर करने के बारे में भी आएगा। जैसे अभी आपने ये ज्वाइन किया है तो आगे और कोर्सेज रहेंगे वो आप ज्वाइन कीजिए, और अपने मतलब जो ग्रोथ की सीढ़ी है उस पर एक जल्दी से चढ़ जाइए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ तक जा नहीं सकते हैं, इसके बाद में आप अपने आप जा सकते हैं, बट वो जो स्पीड होगी ना थोड़ी सी कम हो जाएगी, स्पीड आप लोगों की कम हो जाएगी। बट हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं एक बेटर आउटपुट के साथ में अच्छी तरह से आगे जा पाएं। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू सर। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक 12वें बैच में अब एडमिशन नहीं लिया है, इमीडिएट लें, फुल होने वाला है, फिर आप लोगों को 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।